पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक ऐसी हीरोइन की जिसकी खूबसूरती जगमगाई सिल्वर स्क्रीन पर, जिसने बतौर गायिका भी अपनी मधुर आवाज का जादू हम पे बिखेरा। नाम है इनका सुलक्षणा प्रताप नारायण पंडित, जिन्हें हम सुलक्षणा पंडित के नाम से जानते हैं। मेरा नाम रानी है। रानी? वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस! मेरा नाम राजा और आपका नाम रानी। वैसे मेरे पिताजी पुलिस के रिटायर्ड हैं। जन्म 12 जुलाई सन 1954 में हुआ। सुलक्षणा पंडित दरअसल हिसार से ताल्लुक रखती हैं, जिसे अब फतेहाबाद के नाम से जाना जाता है। ये जिला हरियाणा में पड़ता है। ये पागल लोग भी अजीब होते हैं। देखो तो, तुम्हें कृष्ण कह गया और मुझे राधा। इनके पिता प्रताप नारायण पंडित एक बड़े ही जाने माने शास्त्रीय गायक रहे और महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनके अंकल हैं। सुलक्षणा के तीन भाई हैं, मंधीर, जतिन और ललित। वही जतिन ललित जो कि संगीतकार जोड़ी के रूप में बड़े मशहूर हुए। क्यों सता रही है मेरे भैया को? क्यों सता रही है तुम? मुंह हाथ धो लो मोहन। हाँ। मैं तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी छाछ लेकर आया। ओके ओके। छोटी बहनें हैं माया और अभिनेत्री विजया पंडित। इनकी तीसरी बहन संध्या सिंह अब इस दुनिया में नहीं। सुलक्षणा पंडित जब मात्र 9 बरस की थी, तब इन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर काम शुरू किया था। इनका पहला गाना था सात समुंदर पार के, जिसमें लता मंगेशकर के साथ ये सुनाई दी थी। फिल्म का नाम तकदीर, साल सन 1967। किशोर दा और रफी साहब के साथ भी इन्होंने कई कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लिया। दूर का राही फिल्म जो कि सन 1971 में आई थी, इसमें इन्होंने गाना गाया था बेकरार दिल तू गाए जा। अभी ये बतौर प्लेबैक सिंगर ही काम कर रही थी कि सन 1975 में इन्हें बतौर हीरोइन भी ब्रेक मिला। रघुनाथ झालानी की फिल्म थी उलझन, जिसमें इनके हीरो थे संजीव कुमार। तुम तो ऐसे सिमट कर बैठी हो जैसे किसी अजनबी की दुल्हन हो। इसमें लता मंगेशकर के गाने जरूर थे, लेकिन सुलक्षणा पंडित ने भी एक दो गान गाया था, आज प्यारे प्यारे से लगते हैं। उसके बाद फिल्म आई सन 1976 की संकोच। इन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन जरूर मिला था। मेरे ख्याल में आप ये कांटे रख लीजिए, फूल तो मुरझा जाते हैं लेकिन ये कांटे काम आएंगे। ये विनोद खन्ना की हीरोइन बनकर आई थी प्रकाश मेहरा की फिल्म हेरा फेरी में। फिर जे ओम प्रकाश की फिल्म अपनापन में भी इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था, जिसमें इनके हीरो थे जितेंद्र। इस फिल्म में भी सारे गाने लता मंगेशकर नहीं गाए थे, लेकिन एक डुएट गाना सुलक्षणा पंडित ने गाया था किशोर कुमार के साथ। वो गाना था सोमवार को हम मिले। अनिल गांगुली की फिल्म खानदान जो कि सन 1979 में आई, इसमें एक बार फिर ये जितेंद्र और बिंदिया गोस्वामी के साथ नजर आई। देखो राजा, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैंने आज बड़ी मुश्किल से अपने डैडी को घर पे रोक रखा है और तुम्हारे भैया है क्या अभी तक नहीं आए? शत्रुघ्न सिन्हा, कबीर बेदी, इन सब हीरोज के साथ ये काम कर रही थी, पर संजीव कुमार के साथ इनका रोमांस भी काफी चर्चा में रहा। कैसी लगती हूँ? इन्होंने बंगाली फिल्म बोंदी में भी काम किया था। ये बात भी हैरान करती है कि सुलक्षणा पंडित को कैफी आजमी के लिखे गाने और खयाम साहब के धुनबद्ध किए गाने के लिए अवार्ड से नवाजा गया था। फिल्म थी संकल्प और इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। इन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे, शबाना आजमी रही की रेखा, उन पे भी सुलक्षणा पंडित की आवाज जरूर चमकी। पढ़ न सके जो मन की चिट्ठी, पढ़ न सके जो मन की चिट्ठी, ऐसे सजनों से मेरी कुट्टी कुट्टी कुट्टी। सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार ने तकरीबन 7 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से प्यार करने लगी, पर संजीव कुमार का दिल टूट गया था जब इन्होंने हेमा मालिनी को अपना शादी का प्रस्ताव भेजा और हेमा जी ने नकार दिया था। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे संजीव कुमार शराब में डूबते गए, उनके दिल की तकलीफें भी बढ़ गई थीं। अमेरिका गए, बाईपास सर्जरी भी हुई, पर मात्र 47 बरस की उम्र में 6 नवंबर सन 1985 को संजीव कुमार ये दुनिया छोड़ चल बसे। जीवन के पिंजरे में मन का
संजीव कुमार की मृत्यु ने सुलक्षणा पंडित को पूरी तरह से तोड़ दिया। सुलक्षणा पंडित ने कई मर्तबा संजीव कुमार से कहा था कि चलो हम शादी कर लेते हैं। संजीव कुमार कभी हाँ ना कर पाए। इनके दोनों भाई जतिन और ललित आगे जाकर बहुत जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी के रूप में उभरे, पर उन्होंने भी अपनी बहन सुलक्षणा पंडित को बहुत गाने नहीं दिए। नहीं कमला, तू ऐसे नहीं कहेगी। क्यों नहीं? मेरी ही एक भूल की वजह से तू आज जिंदगी के इस मोड़ पर आ खड़ी है। अब तू क्या चाहती है? मैं दूर ही दूर से बस देखती ही रहूं? सुलक्षणा पंडित जरूर डिप्रेशन का शिकार रही। बीच में इनकी हिप बोन भी टूट गई थी। अब ये रेडियो और सीडी पर अपने पुराने गाने सुनकर खुश रहती हैं। इनके जीजा आदेश श्रीवास्तव ने इनका काफी ख्याल रखा। भाग्य का खेल ये कि आदेश श्रीवास्तव भी बहुत कम उम्र में ये दुनिया छोड़ चल बसे। इनकी बहन संध्या सिंह का मर्डर हो गया था सन 2012 में। माफ कीजिएगा, असर आपका नहीं आपके गाने का हुआ है। वो प्यार का गाना खास मैंने आपके लिए गाया था। अरे वाह, आप तो जबरदस्ती गले पड़ने लगे। आपके जाते शरीफ? बिल्कुल शरीफ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी असलियत क्या है। मैडम, आजकल के जमाने में असलियत की पहचान इतनी आसानी से नहीं होती। यकीनन बॉलीवुड की इस चमकती धमकती दुनिया में बहुत से सितारे ऐसे हैं जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पूरी तरह से अंधकार में चले गए, पर सुलक्षणा पंडित ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और फिर उन्हें पार करना भी सीखा। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।